इसमें भी एंगल निकालना है, बस दो लाइंस की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है? कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। आप मुझे बताओ पहली लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही है, अगर हालांकि इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं, पता चल जाएगा। 2, 1, -3 इस पॉइंट से पास होकर जा रही है। दूसरी -2, ऊपर जो माइनस में होंगे एक्स के साथ वो पॉइंट होगा, प्लस लिखा है तो फिर -2, ठीक है। और नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन वेक्टर के, जो उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो पहली लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज है 2 बाई, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो यानी A1, B1 और C1, ठीक है। क्या होगा? 5 - 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन यानी A2, B2 और C2 -1, 8 और 4। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर ये लाइन ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे होंगे हमेशा यही डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, चेंज भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये लाइन ऐसे होती 2 - x - y + 1/2, ठीक है, और 2z + 4/3, ये भी एक कार्टेशियन इक्वेशन है एक लाइन की, पर इस वक्त इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 5, 3 नहीं है। क्यों नहीं है? लाइन की इक्वेशन में x वाली टर्म पहले होनी चाहिए, ये अभी तोड़ मरोड़ के लिखी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मतलब ऊपर x y z के कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x y z का कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1 नहीं है तो प्लस 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 1 है, वो 1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो या फिर ऊपर और नीचे दोनों में माइनस इंटू कर दो, तो ये बनेगा x -2 / -2, ऊपर से कॉमन लेके नीचे ले दिया, इसमें भी वही चेक कर y -1/2, इसमें ऐसे ऑप्शन माइनस तो डायरेक्ट होगा तो माइनस तो नहीं है पर 2 है, 2 भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, z + 2/3/2। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं -2, -5, 3/2। अभी तक ऐसी लाइन कोई आई नहीं थी पर मैंने बता दिया, ध्यान रखना यहाँ पे तो सब स्टैंडर्ड है। ऊपर x, y, z तीनों का ऑप्शन 1 है प्लस 1, यहाँ पर भी x, y, z तीनों क्वेश्चन क्या है प्लस 1। अगर प्लस 1 नहीं हुआ किसी भी का तो उसको चेंज करना पड़े, बनाना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि उस लाइन के डायरेक्शन इश्यूज क्या है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया, अब एंगल पूछा था और डायरेक्शन इश्यूज पता है तो फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 / A1² + B1² + C1² / A2² + C2² ठीक है। बोलो -2 40 -12 बोलो 40 - 14 46 ये कितना है 38 81, ठीक है। 81 का तो रूट आ जाएगा, थर्टी एट का तो नहीं हो सकता, हो जाएगा नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यही रहेगा। cos theta is equal to 26/9√38 और theta will be cos inverse 26/9√38। ओके।